संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं, परंतु एक युवा विधायक से ये अपेक्षा की जाती है कि युवाओं को एक रोल मॉडल की तरह वो रहें और इस तरह की चीज़ें आगे ना हो, हम ये अपेक्षा करते हैं। और इससे कल हमने जो प्रेस नोट जारी किया उसमें ये अपील भी की थी कि कानून को हाथ में ना लें, किसी तरह की अफवाह ना फैलाएं, और स्पेशली अगर मान लो कोई इलीगल एक्ट हो भी गया तो उसका महिमा मंडन करना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको सोचना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो एक समझदार विधायक है, इसको आगे संज्ञान मिलेंगे, इस तरह की घटना आगे नहीं होगी। और जो रियल इश्यूज हैं, जो रियल इशू है जनता का, उसको उठाना कोई भी जनप्रतिनिधि का रोल होता है, वो लोकल विधायक भी उठाएंगे, लोकल सरपंच भी उठाएंगे, सभी लोग उठाएंगे और हम लोग सुनते भी हैं। हो सकता है कि उनके व्यू पॉइंट से हम लोग एग्री ना करें, परंतु लोकतंत्र में हमारा ही जिम्मेदारी ये है कि हर व्यक्ति की आवाज़ को सुना जाए। मैं चाहे एज पुलिस ऑफिसर उनके उनके जो भी ओपिनियन से एग्री ना करूं, परंतु मेरा ये दायित्व है कि उनकी बात को सुना जाए। यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। परंतु युवाओं युवा विधायक की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि युवा उनको फॉलो करते हैं और इस तरह की चीज़ से कहीं ना कहीं समाज में नेगेटिव मैसेज जाता है। और जब पुलिस पूरा कॉपरेट कर रही थी और अगर मान लो कोई वहाँ पे अशांति की स्थिति हुई, तो जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो लिए जाते हैं, और वहाँ पे पुलिसकर्मी ने बड़ी संवेदनशीलता से के साथ उनसे वार्ता की। मुझे लगता है कि फ्यूचर में इस तरह की घटना नहीं होगी, और जो भी रियल इश्यूज हैं उस पर प्रशासन के स्तर पर वार्ता होकर के जो भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। वर्तमान में अभी वहाँ पे